हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो अभी ऐसा है गाइस कि आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए नज़र आते हैं। अब ये कोई भी बात हो सकती है, हो सकता है आप अपने काम को ही लेकर सोच विचार कर रहे हैं कि किस तरह अपने काम को और आगे बढ़ाया जाए, जो भी बिजनेस वगैरह है, जॉब वगैरह है उसको, या फिर और भी कोई बात हो सकती है जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि आगे क्या करना है, क्या होगा, इसके लिए अभी आप चिंता करते हुए भी नज़र आते हैं। और अपने काम में तो आप ऐसा है कि बिज़ी दिखाई देते हैं और उसके लिए भी आप फिक्र कर रहे हैं कि आपको और अच्छा करना है और बेहतर करके दिखाना है, और अपनी लाइफ को बेटर बनाने पर भी अभी आप बहुत ज़्यादा ऐसा है कि ध्यान दे रहे हैं। और हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप में अभी हैं या पास्ट में रहे हैं, उस बारे में भी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये भी हो सकता है, अगर काम के बारे में नहीं सोच रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में किसी के साथ हैं या फिर पास्ट में रहे हैं, तो उसके लिए आप ऐसा है कि अभी ज़्यादा सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा। और आपको यही लगता है गाइस कि अगर आप काम के बारे में सोच रहे हैं तो आपको लगता है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अभी भी वो काम ऐसा क्यों नहीं चल रहा जैसा आप चाहते हैं। और या फिर आप अपने ये रिलेशनशिप के बारे में अगर सोच रहे हैं तो यहाँ पर भी है यही है कि आपको यही लगता है कि ये इंसान जो है कब एक्शन लेंगे, क्यों इनकी तरफ से कोई एक्शन देखने को नहीं मिलता, जबकि आपने तो ऐसा है कि अपना 100% दिया है, आपने बहुत अच्छा किया इस रिश्ते में, फिर भी आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है यहाँ पर अभी आपके रिश्ते में परेशानी चल रही है, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा सोच विचार भी कर रहे हैं कि आगे क्या होगा और ये इंसान अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिए हैं, क्या कभी ये एक्शन लेंगे भी या नहीं लेंगे। तो ये सारी बातें आपके दिमाग में अभी हैं, इसी की वजह से आप ना चिंता में दिखाई देते हैं। और अगर आपके पर्सन की बात करें गाइस, तो ऐसा है कि ये इंसान को अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि इस रिश्ते को आगे लेकर जाना भी है या नहीं, इस रिश्ते में आगे कुछ करना भी है या नहीं, इनको ऐसा कि कोई क्लियरिटी नहीं है। ये इंसान ने अभी फ्यूचर की कोई प्लानिंग की नहीं है। और ये तो ऐसा था कि जब रिश्ते में आपके साथ रहे तो बस आज है तो आज ही का सोचते थे, कभी इन्होंने आगे के बारे में नहीं सोचा। और अभी भी वही हाल है कि इनको आगे कोई ऐसा है कि रास्ता समझ नहीं आ रहा है। इस वजह से ये इंसान काफ़ी ज़्यादा ऐसा है कि उलझे हुए दिखाई देते हैं, क्या करना है क्या नहीं, कोई इनका विचार अभी हुआ नहीं है। इनका ये है गाइस कि अभी अपनी लाइफ की दूसरी चीज़ों पे ये ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, फैमिली पे, अपने काम पे, जो भी बिजनेस जॉब जो भी होगा उस पे, और भी जो भी इनकी जिम्मेदारियाँ हैं उन पर अभी ये उन पर फोकस कर रहे हैं। इनका ध्यान अभी ऐसा है कि आपके लिए क्या करना है उस पर नहीं है। और आपके रिश्ते में कोई फीमेल हो सकती है गाइस, जिसकी वजह से भी समस्या है, थर्ड पार्टी यहाँ पर कोई फीमेल हो सकती है, ये इनकी वाइफ हो सकती है, या तो फिर ऐसी कोई महिला है, या इनकी माँ हो सकती है, या इनके परिवार में कोई भी ऐसी है जो ये ऐसा है जिनका ये बहुत ज़्यादा जिनके बारे में सोचते हैं और जिनके खिलाफ ये नहीं जा सकते, ऐसा भी कुछ है। तो यहाँ पर कौन है थर्ड पार्टी आपको पता होगा, ज़्यादातर लोगों के लिए यही है कि कोई फीमेल है। तो देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन आपसे बात तो करना चाहते हैं, उनकी भी इच्छा है आपसे बात करने की, पर वही है कि अब तो ऐसा है कि फ्यूचर की कोई प्लानिंग है नहीं इनके पास। और ये भी है कि आपकी तरफ बढ़ेंगे तो फिर वही बात तो आएगी, क्योंकि अब आप तो टाइम पास चाहते नहीं हैं। तो ये सारी बातें इनके मन में है, इस वजह से क्या है कि ये अपने आप को रोक रहे हैं आपसे बात करने के लिए, बात आपसे कर नहीं रहे हैं। और ऐसा है कि अभी ये वही बात है, अपनी फैमिली पर, अपने काम पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अभी फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी मिलना जुलना उतना ज़्यादा ऐसा है कि करना नहीं चाहते, और अपने काम में और वही फैमिली में ध्यान दे रहे हैं, और ज़्यादातर समय ऐसा है कि अकेले भी ये बिताना चाहते हैं। और ऐसा है गाइस कि आपके अलावा भी कोई कह दीजिए, अगर आप
फीमेल हैं तो कोई मेल रहा होगा, या आप मेल हैं तो कोई फीमेल, किसी न किसी को भी आपकी जगह देने की कोशिश इस इंसान ने की है, आपके जो पर्सन हैं उन्होंने। और ऐसा है कि उस इंसान को वो परखना भी चाहे हैं, परखा भी है उन्होंने, उनको जानने की कोशिश किए हैं, लेकिन उस इंसान से आपके पर्सन को धोखा मिला है, ये भी है। अब वो कौन है ये तो आपको हो सकता है पता भी हो, लेकिन आपके अलावा किसी की तरफ ये बढ़े तो थे, और उस इंसान को ये ऐसा है बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे थे, इनके दिमाग में यही बात थी कि वो आपसे ज़्यादा बेहतर हैं, और इन्होंने ऐसा है कि उनके लिए बहुत कुछ किया भी, ये भी हो सकता है, और उस इंसान ने आपके पर्सन को धोखा दिया है, ये भी बात है, जिसकी वजह से ये किसी पर भरोसा भी अब नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसा है गाइस कि अब उस इंसान से इनको धोखा मिला तो ये तो किसी पर भरोसा अब कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप पर इनको इन भरोसा आज भी है, और इनको यही लगता है कि आपके साथ इन्होंने गलत किया, लेकिन फिर भी आप इनके साथ लॉयल रहे हैं, आपने इनको कोई धोखा नहीं दिया, आपने इनके साथ कोई गलत नहीं किया। ये अब ये इंसान को यही समझ में आ रहा है जब उस इंसान से धोखा मिला है, तो अब ये कि आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ये भी है, और आप पर ये विश्वास कर पा रहे हैं, बाकी तो किसी पर भी अभी इनको भरोसा नहीं है। और इनको अब ये लगता है कि आप अच्छे इंसान हो, आप उस इंसान से बेहतर हो, ये आपको नहीं समझ पाए, ये सब अभी इनको लगता है। अब ये आपको तो समझ लिए हैं कि आप इनके लिए सही इंसान है, लेकिन देखिए फिर भी अभी ये इंसान वही बात है कि कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं आगे को लेकर, फ्यूचर को लेकर। अभी इनका यही है कि अभी उतने ज़्यादा सीरियस नहीं हैं जितने आप हैं, अभी ऐसा है। इसी वजह से क्या है कि अभी तक ये आपकी तरफ बढ़े नहीं हैं और आगे के बारे में कुछ सोचा भी नहीं है। अभी इनको ये लगता है गाइस कि किसी नए इंसान से ये मिलें और उनकी तरफ अगर ये बढ़ना चाहें तो फिर वही है कि अब फिर से शुरुआत करनी होगी, उस इंसान को समझना होगा, उसको परखना होगा, और फिर पता नहीं वो भी कैसा निकलेगा। और इनको तो आपके बारे में अच्छी तरह से पता है, आपको तो ये पहले से ही जानते हैं कि आप इनके साथ लॉयल रहे, इनके लिए सब कुछ आपने किया, और ऐसा है कि आप इन पर निर्भर नहीं रहते। सबसे बड़ी बात यही है कि आप किसी भी चीज़ के लिए इस इंसान पर निर्भर नहीं रहते, वो भी बात आपके पर्सन को अच्छी लगती है। तो इसलिए ये क्या सोच रहे हैं कि इनको आपकी तरफ बढ़ जाना चाहिए बजाय किसी नए इंसान की तरफ बढ़ने के। और अभी ऐसा है गाइस कि आप कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसा है कि पढ़ाई की ही बात हो या कुछ भी नया सीखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ऐसा है कि अभी आप ध्यान दे रहे हैं कि उस चीज़ को सीखना है, आपकी इच्छा है उस चीज़ के बारे में जानने की। टैरो रीडिंग्स भी हो सकते हैं या और भी कुछ आपकी पढ़ाई से संबंधित हो सकता है, तो अभी आप कुछ नया सीखने का भी प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको ऐसा है कि बहुत ज़्यादा इच्छा है आप उस चीज़ को सीखें, उस चीज़ के बारे में जानें। और यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन का गाइस कि अकेलापन इनको महसूस तो हो रहा है। वैसे तो ये लोगों की भीड़ में हैं, ऐसा तो नहीं है कि इनके साथ कोई नहीं है, इनकी फैमिली है, इनके फ्रेंड्स भी हैं कह दीजिए तो, लेकिन ऐसा है कि लोगों की भीड़ में होते हुए भी ये इंसान को ऐसा लगता है कि अकेले हैं। यहाँ पर ऐसा है गाइस कि ये इंसान तो आपको चाहते हैं भूल जाना, इसके लिए इन्होंने प्रयास भी किया है, पर ये उसमें सफल नहीं हो पाए हैं, ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। इसी वजह से अब इनको क्या है कि ये चाहते हैं कि बजाय किसी नए इंसान की तरफ बढ़ने से अच्छा है कि आप ही की तरफ बढ़ जाया जाए, क्योंकि वो किसी और की तरफ बढ़ेंगे फिर भी आप उनके दिमाग में चल ही रहे हैं, और पास्ट में ये हुआ भी, ये इंसान किसी और की तरफ बढ़े फिर भी आपको तो भूल नहीं पाए, तो अब इनको क्या लगता है कि किसी और की तरफ बढ़ने से अच्छा है कि आपकी तरफ बढ़ जाएं। और ऐसा है कि जो अकेलापन महसूस हो रहा है ये भी नहीं होगा, और आप इनका साथ हमेशा से देते रहे हैं तो आगे भी देंगे। इनको समझाया जा रहा है कि इनको आपकी तरफ बढ़ना है, आपके साथ इन्होंने गलत किया है, जो आपका साथ छोड़कर ये गए ये गलत था, ये इनको समझाया तो जा रहा है, इनको बताया जा रहा है कि इनको आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, अपनी गलती सुधारनी चाहिए, आपका साथ देना चाहिए, और आपसे गलती की है तो उसकी माफ़ी भी मांगनी चाहिए, लेकिन ये इंसान है कि उस चीज़ को समझने को ही तैयार नहीं है। इनका यही है कि ये आपसे ऐसा है कि दूर होना चाहते हैं, ये आपको भूलना चाहते हैं, ये बार बार इनके मन में रहता है, ये बात इनके मन में आती है कि इनको आपको भूलना है, इनसे आपको खुद को अलग कर लेना चाहिए, और आपके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, ये इस इंसान के दिमाग में चलता है। और जो यूनिवर्स की तरफ से इनको समझाया जा रहा है ये उसको सुनना नहीं चाहते, उसको समझना नहीं चाहते कि इनको आपकी तरफ बढ़ जाना चाहिए।
और इसकी वजह यही है कि इनके पास कोई प्लान है नहीं फ्यूचर का, माइंड में क्लियरिटी नहीं है, जिसकी वजह से ये क्या कर रहे हैं कि समझ कर भी चीज़ों को ना समझ बन रहे हैं। और गाइस इस इंसान का ये भी है कि बहुत ज़्यादा अहंकारी है ये इंसान, यह इंसान झुकना पसंद नहीं करता, इसकी वजह से भी आपकी तरफ नहीं बढ़ रहा है। इच्छा इसकी भी होती है आपसे बात करने की, लेकिन ये खुद को रोकता है क्योंकि ये झुकना नहीं चाहता। देखिए प्यार तो है, प्यार तो है आपके लिए इनके दिल में, लेकिन बात वही है कि घमंड है और ज़िद्दी इंसान है, झुकना भी नहीं चाहते। मैं क्यों झुकूँ, ये वाली एनर्जी है अभी इनकी, जिसकी वजह से ये क्या है कॉन्टेक्ट नहीं कर रहे हैं। और इनको ये भी बात समझ में आती है कि इनको आपके लिए बहुत कुछ करना है, ये भी सोचते भी यही है कि इनको आपके लिए बहुत कुछ करना है। मैरिज और कमिटमेंट तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन आपने जितनी ज़्यादा इनकी हेल्प की है, इनकी केयर की है, ऐसा सब ये आपके लिए भी करना चाहते हैं, लेकिन बात वही है कि ज़िद बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपकी तरफ बढ़ना नहीं चाहते। और इनको ये समझ में आ गया है कि आपसे बेहतर इंसान इनको कोई मिल नहीं सकता, इस वजह से आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। इनकी इच्छा भी होती है आपकी तरफ बढ़ने की, पर वही है कि घमंड इतना ज़्यादा है कि झुकना नहीं चाहते। तो अभी ऐसा है कि इतनी जल्दी आ जाएंगे ये भी नहीं है, सोच तो रहे हैं लेकिन अभी बढ़ते हुए नज़र नहीं आते। देखिए आगे जाकर तो चीज़ें ऐसा है कि बेहतर होंगी, ये इंसान भी आपकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन आप अगर अभी की बात करें, आज की जो एनर्जी है तो ऐसे ही है कि अभी आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र नहीं आते, सोच विचार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और यह है कि फ्यूचर की कोई प्लानिंग नहीं है, ये भी एक वजह है कि आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में चीज़ें सही होंगी, पर समय इसमें लगेगा। तो समझ गए गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए, खुद भी खुश रहिए औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।